हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। कर लेते हैं बड़ी खबर इस वक्त की। खेड़की टोला टोल पर फिर गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आ रही है, टोल कर्मी को कार के बोनट पर 100 मीटर तक घसीटा गया। ये पहला ऐसा मामला सामने नहीं है, कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। टोल से गुरुग्राम नंबर की गाड़ी में दो युवक सवार थे, कार में सवार दोनों युवक मौके से फरार हो गए। खेड़की टोला टोल पर गुंडागर्दी का एक और वाक्य सामने आया, तो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। टोल ना देने के चलते घटना को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, खेड़की डोला टोल पर फिर गुंडागर्दी का ये तस्वीरें देखने को मिली। एक घटना सामने आई, टोल कर्मी को कार के बोनट पर 100 मीटर तक घसीटा गया। टोल ना देने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम नंबर की गाड़ी थी जिसमें दो युवक सवार थे, कार में सवार दोनों युवक मौके से फरार हो गए। हालांकि ये पहला ऐसा मामला सामने नहीं है कि ये तस्वीरें देखने को मिली हो, घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हो गई हैं। पहले भी कई बार ऐसे मामले ही सामने आ चुके हैं खेड़की डोला टोल प्लाजा पर, लेकिन एक और ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर टोल न देने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। गुंडागर्दी देखने को मिली, 100 मीटर तक घसीटा गया। चलिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में देखिए कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। टोल न देने पर बोनट पर बिठाकर टोल कर्मी को 100 मीटर तक घसीटा गया। तस्वीरें देखिए कैसे किस कदर यहां पर ये बेखौफ हो चुके हैं अपराधी कि यहां सीधा बैरिकेड उठा दिया जाता है और गाड़ी ले जाने की कोशिश की जाती है। और जब टोल कर्मी टोल मांगने की कोशिश करता है, टोल देने की बात कहता है, तो गाड़ी के बोनट पर बिठाकर 100 मीटर तक उसे घसीटा जाता है। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक की दबंगई देखिए, कैसे बैरिकेड उठाया और गाड़ी आगे ले जाने की कोशिश की गई, हालांकि इसमें वो कामयाब भी रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये एरो जो आप देख रहे हैं, ये युवक अब बैरिकेड उठाएगा। देखिए किस कदर बेखौफ हो चुके हैं ये अपराधी। युवक की हिम्मत को देखिए, कैसे बैरिकेड को उठाया, गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश की गई। जब टोल मांगा गया तो टोल कर्मी को बोनट पर बिठाकर घसीटा गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय राठौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, युवक की दबंगई देखिए, कितने बेखौफ हो चुके हैं ये अपराधी कि कैसे बैरिकेड को उठाया गया, गाड़ी आगे लेकर जाई गई और जब टोल कर्मी ने टोल मांगा तो उसे बोनट पर बिठाकर 100 मीटर तक घसीटा गया। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल शाब्दुर भाई, मैं बताना चाहूंगा ये गुरुग्राम टोल टैक्स का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी करीबन 10 दिन पहले एक जो महिला जो टोल कलेक्शन थी उसकी भी नाक पर मुक्का मार के उसकी नाक तोड़ दी गई थी। कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम खेड़की डोला टोल की हम बात करें, आए दिन कहीं ना जो इस पे अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ टोल मांगने को लेकर ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम की हम बात करें, जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं उनके हौसले काफी बुलंद है। और हम बात करें फरीदाबाद में आज सुबह एक जो कांग्रेसी नेता उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इससे पहले भी जो ये टोल है इस पर गोली भी चल चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो साफ तौर पर संजय आपका कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, बेखौफ होकर अपराधी ये काम को अंजाम दे रहे हैं, प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, पुलिस बेबस हो चुकी है, बेलगाम अपराध जो ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, रोज ऐसी खबरों का सामने आना कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जो सरकार है और जो प्रशासन है वो इस कटघरे में जरूर खड़ा होता है, क्योंकि जो प्रशासन है उसी की जो आम लोग है उसको सुरक्षा देने का काम होता है। कहीं ना कहीं जो टोल है उसमें पुलिस की पीसीआर और जो राइडर होती है मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऐसे लोग है जो जिन्होंने ये अपराध किए, साफ तौर पर 100 मीटर जो टोल के प्रवक्ता है उसको और जो कर्मचारी है गार्ड है उसको घसीट के ले जाया जाता है, और कहीं ना कहीं जो पुलिस की पीसीआर है वो भी कुछ नहीं कर पाती। तो और साफ तौर पे जो सीसीटीवी जानना चाहेंगे आपसे कि इतनी हिम्मत आती कहां से है, बेखौफ इतने हो चुके हैं, हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि कैसे खुद से ही बैरिकेटिंग उठा दी, क्या कुछ पीछे से किसी की शय मिल रही है, कोई नेता कोई सरकार का जो नुमाइंदा है क्या इसके पीछे उनकी शय लगती है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं कहीं ना कहीं उनके पीछे एक जो बैकबोन जो एक स्पोर्ट है वो जरूर
जब भी इतनी जो उनका हौसला है, जब भी इतना बुलंद है, कहीं ना कहीं हम साफ तौर पर कह नहीं सकते, वो अधिकारी भी हो सकते हैं या नेता भी हो सकते हैं, जो लोगों का हौसला है कहीं ना कहीं जो उनकी दबंगाई है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। बैरिगेट उठाते हैं, उसके बाद करीबन 100 मीटर जो दो जो टोल के कर्मचारी उनको घसीट के ले जाया जाता है, कहीं ना कहीं उसको कुचलने का भी प्रयास इनकी तरफ से किया गया है। और साफ तौर पर हम पुलिस की बात करें, जो पुलिस की प्रणाली है उसकी बात करें, कहीं ना कहीं वो विफल साबित जरूर हो रही है। हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल विफल है। हम साफ तौर पर जब सीसीटीवी में गाड़ी के नंबर आने के बाद भी पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठती है, क्योंकि अब आपसे 10 दिन पहले भी एक महिला के साथ ऐसी वारदात इस टोल टैक्स पे हुई थी, जिसके बावजूद अभी तक उन लोगों का कोई पता नहीं, कोई पुलिस की तरफ हाथ खाली है, कोई सुराग नहीं लगा। तो साफ तौर पर जो पुलिस का जो गुरुग्राम पुलिस अपने आप में हाईटेक मानी जाती है, कहीं ना कहीं वो भी विफल साबित हो रही है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो गाड़ी के नंबर रजिस्ट्रेशन ऑफिस हम जान सकते हैं वो किसकी गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इससे ये लगता है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर जाती और पुलिस पे कहीं ना कहीं दबाव बना दिया जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन और सरकार कुंभकर्णी नींद सो रहा है। और इसी को लेकर इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।